सब तो आज हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हुकवॉर्म की, ठीक है ना। हुकवॉर्म की लाइफ साइकिल कैसे कैसे होती है और काम कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एडल्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन में पाया जाएगा, एडल्ट जो इसका वॉर्म होता है। अब ये क्या हुआ, एग के साथ फेसिस में चला गया, फेसिस में गया तो फेसिस के बाहर जब ये आता है तो ये एक रैप्टी फॉर्म लार्वा जब बाहर आता है, ये रैप्टी फॉर्म लार्वा हैच आउट कर जाता है एक इन फीसिस में बाहर आने के साथ। रैप्टी फॉर्म लार्वा पहला पहला लार्वा इसमें क्या होता है, रैप्टी फॉर्म लार्वा जो कि हैच आउट कर जाता है और इसका जो लार्वे है वो सॉयल में आ जाता है, ठीक है ना। इसी का लार्वे जो होता है कहाँ आ जाता है, सॉयल में आ जाता है। अब इसी लार्वे को जो कहते हैं, जो सॉयल में होता है इसी को क्या कहते हैं अपन, फिलारी फॉर्म लार्वा होता है। और इसका इन्फेक्टिव स्टेज जो है कि डेवलप होता है, इसका इन्फेक्टिव स्टेज है फिलारी फॉर्म लार्वा। ये क्या करता है, पेनिट्रेट करेगा स्किन को, स्किन के तीनों लेयर को ये पेनिट्रेट करेगा, ये सर्कुलेशन चला जाएगा। सर्कुलेशन में जाने के बाद ये क्या करेगा, सर्कुलेशन में सबसे पहले तो ये पहुँचेगा अपना, मतलब पहले तो ये मतलब सर्कुलेशन में जाएगा तो लिम्फेटिक्स के थ्रू वेंस में जाएगा, वेंस के थ्रू पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से लीवर, लीवर से राइट साइड ऑफ हर्ट और राइट साइड ऑफ द हर्ट से फिर लंग में, और लंग के बाद यहाँ पे रेट्रोग्रेड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। लंग से ट्रैक फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग से फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद ये स्वेलो कर देगा, ठीक है ना। फेरिंग्स के बाद ये सलाइवा के साथ स्वेलो हो जाएगा और लार्वा जो है मतलब लंग में चला जाएगा, वहाँ इसका मैच्योरेशन होगा, ठीक है ना। और ये फिर स्वेलो करने के साथ ये लार्वा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में सेटल हो जाएगा और फिर वही एडल्ट वॉर्म बना लेगा। तो ये बात इसमें रही कि आपकी ये लाइफ साइकिल ऑफ हुकवॉर्म है। तो एक बार और देख लेते हैं अपन, ये एडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बाहर आता है, ठीक है ना। तो मतलब एक के साथ फीसिस में के साथ बाहर आता है तो रैप्टीफॉर्म लार्वा बन जाता है, ठीक है ना। ये जो रैप्टीफॉर्म लार्वा है सॉइल में क्या करेगा, ये फिलारीफॉर्म लार्वा हो जाएगा। फिलारीफॉर्म लार्वा इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ठीक है। फिलारीफॉर्म लार्वा से ये पेनिट्रेट करेगा स्किन को जो क्या सोल पे होती है, उसके तीनों लेयर को ये मतलब इन मतलब कि पेनिट्रेट कर जाएगा और ये सर्कुलेशन में जाएगा। सर्कुलेशन सबसे पहले लिम्फेटिक्स में जाएगा, लिम्फेटिक्स से वेन, वेन से ये आपका जाएगा पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से ये लीवर में जाएगा, लीवर से आपका राइट साइड ऑफ हर्ट में जाएगा, राइट साइड ऑफ हर्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से आपका यहाँ पे रेट्रोग्रेड सर्कुलेशन शुरू होगा। रेट्रोग्रेड सर्कुलेशन यहाँ से शुरू होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रेट्रोग्रेड सर्कुलेशन शुरू होगा तो क्या होगा, ये पहले फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग से फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स में यहाँ पे स्वेलोड बाय सलाइवा। तो वो क्या करेगा, फिर से ये आपका ओएसोफेगस में ये इसका मोल्टिंग होता है एक लगे, अगर जानना चाहो जान लो, नहीं जानना कोई दिक्कत नहीं, ये वापस इंटेस्टाइन में जाएगा फिर से ये एडल्ट फॉर्म बना लेगा। तो ये बेसिक इसकी लाइफ साइकिल रही। और एक चीज़ इसकी और जान लो कि ये क्या कराता है, इसका क्या मैनिफेस्टेशन है, एनीमिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा, इनका क्या मतलब कि क्या यूज़ है एनीमिया का, एनसाइक्लोस्टोमा कैसा अनीमिया करा सकता है। तो एनसाइक्लोस्टोमा जो है पहली बात तो ये हुकवॉर्म डिजीज़ करता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हुकवॉर्म कहते हैं, ठीक है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल को। तो कॉजेज हुकवॉर्म डिजीज़ और कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोपिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया जो कि बेसिकली एक आयरन डिफिशियंसी अनीमिया ही होता है। तो हुकवॉर्म इंजेस्ट ब्लड, दे अटैच देमसेल्व टू म्यूकोस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हुकवॉर्म क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं ब्लड को और ये कहाँ अटैच होते हैं, म्यूकोस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के। एंड साइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल जो होता है सक्स कितना करता है, 0.2 ml ऑफ ब्लड डेली ये सक करता है, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, ठीक। तो अब क्या है इसमें थोड़ा सा और कैरेक्टरिस्टिक इसके फीचर्स कुछ कुछ हैं कि जो वॉर्म होता है, जो वॉर्म होता है फ्रीक्वेंटली क्या करता है, फ्रीक्वेंटली एक साइड छोड़ के दूसरे साइड पे चला जाता है, ठीक है ना। एंड दस लिविंग पॉइंट स्मॉल ब्लीडिंग पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ कुछ स्मॉल ब्लीडिंग पॉइंट्स यहाँ पे बन जाते हैं क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है। एज सेक्रेशन ऑफ द वॉर्म पासिस एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी, सेक्रेशन ऑफ वॉर्म क्या होती है, इसमें एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी होता है। द ब्लीडिंग फ्रॉम दिस साइड कंटिन्यूज फॉर सम टाइम, सो ब्लीडिंग जो होती है मतलब कि इस साइड से कंटिन्यू कर जाती है कुछ समय तक और। तो दीज फैक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो यही जो फैक्ट्स हैं क्योंकि इसकी एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी जो इसके माउथ में होती है, सेक्रेशंस में होती हैं, तो उसके कारण से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया दे देता है, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक टाइप का, ठीक है ना। तो ये इसका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, ठीक। द डिग्री ऑफ एनीमिया डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वॉर्म्स प्रेजेंट, तो डिग्री ऑफ एनीमिया जो होगा नंबर ऑफ वॉर्म्स, ऑब्वियसली बात है जब नंबर ऑफ वॉर्म्स ज़्यादा होंगे तब डिग्री ऑफ एनीमिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वॉर्म्स प्रेजेंट और बॉडी आयरन स्टोर और डायट्री आयरन ऑफ द पर्सन, कितना डायट्री आयरन है, नंबर ऑफ वॉर्म्स कितना है, बॉडी आयरन स्टोर कितना है, तो इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड कर जाएगा एनसाइक्लोस्टोमा के, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी एनसाइक्लोस्टोमा के कॉजेटिव मतलब एनीमिया के बारे में। तो एक और चीज़ होता है कि हिमैच्योरिया एक और होता है सिस्टोसोमियासिस में, सिस्टोसोमियासिस में भी कुछ हिमैच्योरिया टाइप का होता है। तो एक्यूट सिस्टोसोमियासिस में क्या होगा, टिपिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे कि कॉज्ड बाय एग लेइंग इंक्लूड पेनलेस टर्मिनल हिमैच्योरिया, वहाँ पे क्या होगा,
कि टिपिकल एक मैनिफेस्टेशन देगा कि एग लेइंग जो होते हैं सिस्टोसोमियासिस के, वो पेनिस टर्मिनल हिमेचूरिया कराते हैं, एंडेमिक हिमेचूरिया कराएंगे एग लेइंग के बाद, ठीक है ना। और जो पेनलेस टर्मिनल हिमेचूरिया कराएंगे, ठीक है ना, क्यूस्टोमेटियासिस में टिपिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं एंडेमिक हिमेचूरिया। हिमेचूरिया जो होता है इनिशियली माइक्रोस्कोपिक होता है और ग्रॉस बन सकता है अगर इन्फेक्शन जो है आपका हैवी हो जाए, ठीक है ना। ये ग्रॉस बन सकता है जब आपका इन्फेक्शन जो है हैवी हो जाए। तो ये बात रही आपकी थोड़ा सा एनसाइक्लोस्टोमा के बारे में और उसके एनीमिया के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।